हेलो दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप घर बैठे बैठे अपना किसी भी साल का इनकम टैक्स रिटर्न का जो स्टेटस है उसको घर बैठे बैठे देख सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पे एक लिंक आपको लिखना है tin.tin.nsdl। तो इसको लिखने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे एक लिंक आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे जो tin.tin.nsdl.com/ ये जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है, आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके भी आप साइट में एंट्री कर सकते हैं। तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और इस पे क्लिक करते ही देखिए आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली आपको अपना पैन नंबर देना है और कौन से ईयर का आप आईटी रिटर्न स्टेटस देखना चाहते हैं तो उस ईयर को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना पैन नंबर देना है। तो यहाँ पे मैं अपना पैन नंबर लिखूंगा। तो पैन नंबर लिखने के बाद यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है, मतलब कौन से साल का आप आईटी रिटर्न स्टेटस देखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 2021 सिलेक्ट करूँगा। अगर आपको कोई और ईयर सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत सारे ईयर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कीजिए और सिंपली उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है इस कोड को यहाँ पे आपको लिखना है। जो इमेज आपके सामने दिखाई दे रहा है उस इमेज पे जो नंबर लिखा हुआ है उसको आपको लिखना है और सिंपली प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करते ही देखिए आपके सामने आपके डिटेल्स आ जाएगा कि किस मेथड में पेमेंट हुआ था, उस पेमेंट का जो रेफरेंस नंबर है और स्टेटस क्या है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है रिफंड इज़ ऑलरेडी क्रेडिटेड टू योर बैंक, मतलब ऑलरेडी रिफंड हो चुका है। और अकाउंट नंबर भी शो करेगा, मतलब अकाउंट नंबर का आखिरी 4 डिजिट आपको दिखाई देगा और कौन से डेट में क्रेडिट हुआ है रिफंड, ये भी यहाँ से आपको दिखाई देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस लिंक के ज़रिए आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका जो आईटी रिटर्न मतलब इनकम टैक्स रिटर्न या आपका रिफंड हुआ है या नहीं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।